तो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं गाइस कि अगर आपकी वेबसाइट अप्रूवल नहीं हो रही है लो वैल्यू कंटेंट या प्राइवेसी पॉलिसी वायलेशन का ईमेल आपको बार बार गूगल एडसेंस की साइट से आ रहा है, तो आपको आज मैंने 5 ऐसे स्टेप बताए हैं जो कंप्लीट करने पे आपकी 100% जो वेबसाइट होगी वो अप्रूवल होने लगेगी। हमने बहुत सारी वेबसाइट अप्रूवल की है जिसमें हम अपने सारे स्टेप कंप्लीट करते हैं और हमारी वेबसाइट अप्रूवल हो जाती है। वो आप कंप्लीट करने जिससे आपकी वेबसाइट अप्रूवल हो सके, चाहे आपके कितने भी पोस्ट क्यों ना हो। आपने अभी देखा होगा आपके बहुत सारे पोस्ट है फिर भी आपकी वेबसाइट अप्रूवल नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई स्टेप छोड़ रहे होंगे जिसमें आपकी वेबसाइट अप्रूवल नहीं हो पाई। तो ये जो मैंने स्टेप बताया है 5 स्टेप, इनको अच्छे से देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, उसको जरूर समझना है जिससे आपकी वेबसाइट भी अप्रूवल हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या वो 5 स्टेप क्या है जिससे हमारी वेबसाइट अप्रूवल हो सकती है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते गाइस। सो गाइस हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल एडसेंस के 6 सीक्रेट स्टेप क्या हैं जो आपको फॉलो करने हैं उसके बगैर आपकी वेबसाइट शायद ही अप्रूव हो। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो 100% अप्रूव होने लगेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड्स के तौर पे मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप मतलब जो अपने अप्रूवल के स्टेप हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको गाइड किया है 6 स्टेप को, उनको आराम से अच्छे से आपको देखना है। अगर आप वो चीज़ें नोट अच्छे से देख लेते हैं तो आप मतलब गारंटी है कि आपकी वेबसाइट जो होगी अप्रूव हो जाएगी। ओके, सो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो 6 स्टेप क्या है। ठीक है, अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो आपकी गारंटी है गाइस वेबसाइट अप्रूव होगी, सो होगी 100%। ठीक, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एक स्लाइड के तौर पे दिखा देता हूँ और यहाँ पे आपको पहला क्या करना है, जो आपका जो थीम यूज़ करें गाइस, जो थीम होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम होता है। थीम आपको कौन सा यूज़ करना है, थीम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आपको जनरेट प्रेस थीम यूज़ करना है। जी हाँ गाइस, जनरेट प्रेस थीम एक ऐसा थीम है जो बहुत ही लाइट वेट थीम होगा। मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, अभी रुक जाइएगा, अभी तो आपको मैं समझाऊंगा फिर आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि आप वेबसाइट को कैसे बनाएंगे। ओके, और कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास प्रीमियम थीम यूज़ नहीं है प्रीमियम थीम, तो आपको मैं इंस्टा का लिंक दे दूंगा, आप उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, या फिर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें आप डायरेक्ट जाएंगे तो डाउनलोड करने के लिए फ्री ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट फ्री से डाउनलोड कर सकते हैं जनरेट प्रेस के, जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम और इसका एक प्लगइन होता है वो भी साथ में। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको याद करना कि आपको जनरेट प्रेस थीम ही यूज़ करना है। वो मैं आपकी अपनी वेबसाइट में यूज़ करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, वेबसाइट को हमेशा अपनी गूगल के एनालिटिक्स में ऐड करना है। जी हाँ, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, गूगल एनालिटिक्स से ये होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। गूगल एनालिटिक्स ये होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं, इससे क्या होता है गूगल को मालूम चलता है कि आपके वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपका गूगल एनालिटिक्स का पेज है। ठीक है, ये अभी लोडिंग हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिससे आपको बताने के साथ साथ आपको ये चीज़ें सिखाते भी जाऊंगा। तो ये गूगल एनालिटिक्स का भी हमने ये ऐड किया था। अब मान लीजिए मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ, तो गूगल एनालिटिक्स में आपको जितना आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा वो आपको दिखेगा कि कितना आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 25,000 यूज़र हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि गूगल एनालिटिक्स में यहाँ पे ट्रैफिक आ चुका है और यहाँ पे कैसा ट्रैफिक आया सारा कुछ इसमें दिखा जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स के साथ साथ अब आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा गूगल अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड करना। जी हाँ गाइस, सर्च कंसोल ये होता है जिसमें अपनी वेबसाइट को ऐड करना और सभी पोस्ट को इंडेक्स करना है। जी हाँ, सभी पोस्ट को इंडेक्स नहीं करोगे आप तो आपकी वेबसाइट जो होगी अप्रूवल का चांस बिल्कुल नहीं है। गूगल सर्च कंसोल में आप देख सकते हैं, ये सर्च कंसोल होता है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना होता है। ओके, यहाँ पे ऐड करना है। अब आपको चलते हैं आगे के स्टेप में। अब आपको यहाँ पे याद करना है कि आपको 5 से 10 हाई क्वालिटी यूनिक पोस्ट और आर्टिकल लिखने हैं, मतलब हाई क्वालिटी पोस्ट लिखने हैं जो यूनिक हो, बहुत कम लिखे हों जिन्होंने,
उसके बारे में लिखना है। अगर आपको हाई क्वालिटी पोस्ट नहीं बनता है तो मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए मैं अभी आपका हाई क्वालिटी क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको नहीं समझ में आता होगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा चाय का बिजनेस कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ डबल कॉमा क्यों लगाया, इससे मैं आप ही बता देता हूँ क्यों। इससे ये मालूम चलेगा कि इस टॉपिक पे कितने लोगों ने मतलब लिखा है, आर्टिकल लिखा है। तो ये वाला जो मतलब कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे बिल्कुल किसी ने भी नहीं लिखा। तो आप इस कीवर्ड पे सॉरी चाय लिख गया मैं अभी तो कहूँ कुछ, ठीक है। इस कीवर्ड पे देखिए, इस कीवर्ड पे भी किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है, बहुत ही अच्छा कीवर्ड है ये, डायरेक्ट निकल आया। ये तो आपका गोल्डन चांस है, आप जो जल्दी लिख सके इस पे आर्टिकल तो बहुत अच्छा है। चाय के बिजनेस कैसे करते हैं, ये बहुत ही। अब देखिए मैं दूसरा आर्टिकल दिखा देता हूँ, बागे ओहो चलिए और कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं बागेश्वर धाम लेता हूँ, बागेश्वर धाम सरकार, और यहाँ पे डबल कॉमा लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इस पे आप लिखेंगे तो 4,40,000 रिजल्ट ऑलरेडी है। आप इस पे लिखेंगे इस वाले कीवर्ड पे तो वो जो कंटेंट है वो ऑलरेडी है, इसलिए आपका वो आर्टिकल मतलब लो वैल्यू कहने लगेगा। ओके, सो आपको जो मैंने अभी चाय का बिजनेस एक एग्जांपल समझाया है वो आपका हाई क्वालिटी यूनिक कंटेंट होता है जिसके बारे में किसी ने लिखा ही नहीं है। तो ऐसे हाई क्वालिटी और यूनिक कंटेंट आपको 10 लिखने हैं, वो सर्च करने हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब फिफ्थ में आ जाते हैं, फिफ्थ में आपको मैंने बताया कि 500 से 600 सर्च ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहिए आपको अपनी वेबसाइट में। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आप जब परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल क्लिक आ रहे हैं और टोटल इम्प्रेशन आ रहा है, यही आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। मतलब बिल्कुल ओरिजिनल सर्च, गूगल सर्च जो कहलाता है वो ट्रैफिक होता है। तो आपको कैसे भी करके गूगल सर्च का ट्रैफिक लाना है। अगर आपको नहीं बनता है ट्रैफिक लाना गूगल सर्च का तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे, उस पर भी वीडियो ला देंगे गूगल सर्च का, मतलब गूगल सर्च ट्रैफिक कैसे लाते हैं, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी यूनिक और वो भी फ्री में। तो आप अगर नहीं बनते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये वाला ट्रैफिक लाना मैं आपको सिखा दूंगा। ये टोटल क्लिक 407 है, इंप्रेशन 1000 में 407 है, आप सोच लीजिए कितना अच्छा क्लिक आया हुआ है। ओके, सो ये आपको याद करना है। अब आपको सिक्स में याद रखना है साइड पेज बनाने हैं और साइड मैप आपको अपनी वेबसाइट में लगाना है। चलिए मैं अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये साइड है। तो साइड मैप आपको इस टाइप का यूज करना है, हमेशा अपना साइड मैप लगाना है। अगर आपको साइड मैप भी नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिए, विद इन एक मिनट के अंदर अंदर ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि आपको मतलब एक मिनट में ही आपका ये साइड मैप बन के रेडी हो जाएगा, एक मिनट में ही, उससे भी कम समय में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको साइड मैप नहीं लगाते बनता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं लगवा दूंगा आपका वीडियो बना के। तो ये साइड मैप आपको 100% लगाना है। और ये तीन पेज, तीन से चौथा नहीं बताऊंगा आपको, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीन ऐसे पेज होते हैं जो आपको लगाने ही हैं। जी हाँ, अगर आपको टर्म एंड कंडीशन डिस्क्लेमर भी नहीं लगाते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने इसी पे हम अप्रूवल लेते हैं। इन जो भी आप हमारी वेबसाइट देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। और देखिए ये तो हमारा गूगल साइट का है एनालिटिक्स, तो यहाँ पे देखिए होम, बिजनेस और अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपको एक ही कैटेगरी पे सारे पोस्ट लिखने का, इसमें आपको पहले बता दूँ ऐसे नहीं बहुत सारी कैटेगरी लिख दी, एक एक पोस्ट आपने उस पर लिखा। कहीं आपने लिख दिया फेसबुक अकाउंट तो उसमें फेसबुक कैटेगरी बना दिया, आपने लिख दिया अमेजोन तो उसमें एक अमेजोन का लगा दिया, एक फ्लिपकार्ट का ऑर्डर तो एक फ्लिपकार्ट का कैटेगरी, नहीं एक आप ऑर्डर लगाइए ई कॉमर्स तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, कुछ भी प्रोडक्ट के मतलब आर्टिकल लिखिए, एक ही कैटेगरी में डालिए। जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस के अंदर ही सारे आर्टिकल लिखे हैं, ये सारे आर्टिकल बिजनेस के अंदर ही मैंने लिखे हैं। और बस अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। कॉन्टेक्ट अस में आप अपना एक कॉन्टेक्ट अस पेज लगाइए और प्राइवेसी पॉलिसी में अपना प्राइवेसी पॉलिसी अच्छा लिखिए। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, सभी लोग कॉपी करते हैं और चल भी जाता है, हम भी वही करते हैं, अपनी वेबसाइट का यूज़ करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहाँ देख सकते हैं बेस्ट इन द आर्टिकल्स यहाँ पे आ रहा है सारे कुछ। हम ऐसे ही आप हमारा मतलब जो प्राइवेसी पॉलिसी है ऐसे लगा लीजिए। साइड मैप भी आपको यूज़ करना है,
ये जो मैंने 6 स्टेप आपको बताए हैं, ये चीज़ आप कर लीजिए, आपकी जो वेबसाइट होगी 100% गाइस आपकी अप्रूवल होके ही आएगी। आपकी जनरेट प्रेस की थी, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो हम आपकी उसमें हेल्प कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सो एंड यहाँ पे अगर कोई भी समस्या आती है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो हमें जरूर कमेंट करें। वीडियो यहीं तक रहने दे, थैंक यू वेरी मच।